जय माता दी। हमारे सब्सक्राइबर मिले हुए हैं माँ के दरबार में, इनसे मुलाकात हुई थी हमारी बस में और ये फिर से मिले हुए हैं। तो आप सब ये डिजिटल यात्रा देख रहे हैं और ऐसे में बहुत सारे परिवार के सदस्य मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। चलिए एक बार जयकारा लगाते हैं। जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के नए पावन वीडियो में। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं फ्रीम राइडर। एक बार फिर से हम आप सबके लिए माता रानी की यात्रा जुड़ी नई जानकारियों के साथ साथ श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के नए पावन दर्शन की वीडियो लेकर हाजिर हैं। इसलिए आप सभी से यह अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। पहले जो फुटेज आप घर बैठे देख रहे हैं ये श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से लिया गया फुटेज है, जिसमें आप सब भक्त माता रानी के पवित्र अर्धकुंवारी मंदिर के साथ साथ श्री माता वैष्णो देवी के पावन त्रिकुट पर्वत के भी दर्शन कर पा रहे होंगे। देख सकते हैं कटरा से कितना सुंदर माहौल हमें घर बैठे देखने को मिल रहा है। अगर आप आगामी दिनों में श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा करने वाले हैं और कटरा रेलवे स्टेशन पर आने वाले हैं तो आप सबके पास कोविड नेगेटिव आरटीपीसीआर 48 घंटे पुरानी रिपोर्ट होनी चाहिए या फिर वैक्सीन की दोनों डोज की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, तब आप यात्रा कर सकते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में हम आगे भी बहुत सारी जानकारियां कोविड से रिलेटेड शेयर करने वाले हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है श्री माता वैष्णो देवी के पावन शहर जिसे हम धर्म की नगरी कटरा कहते हैं। देख सकते हैं कितना सुंदर माहौल हमें घर बैठे कटरा के मेन चौक से देखने को मिल रहा है। घर बैठे आप हाथ जोड़कर माता रानी के इस पवित्र त्रिकुट पर्वत के दर्शन भी कर पा रहे होंगे। मैं आपको बता दूं मौसम बहुत ही सुहावना है और घर बैठे ये दर्शन करना अपने आप में एक अलग सा अनुभव है। इसलिए कॉमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी जरूर लिखिएगा। अगर आप आगामी दिनों में श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा करने कटरा शहर आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको हर प्रकार की दुकानें, चाहे वो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की दुकानें हो, भोजनालय हो, ढाबाज हो, रेस्टोरेंट हो, होटल हो, ये हर प्रकार की दुकानें होटल्स सभी आपको खुले हुए मिलेंगे। कटरा में पहले जैसा ही रौनक हमें देखने को मिल रहा है जैसे कोविड के पहले हम देखते थे। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं और कटरा मेन चौक में कहीं भी इधर उधर जा रहे हैं तो मास्क ज़रूर लगा कर रखिएगा। मास्क में अभी भी बहुत सारा चालान किया जा रहा है, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ दूरी बनाकर ही रखिएगा क्योंकि वहाँ का जो नियम कानून है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। और यात्रा में भी आप कोशिश करें कि मास्क लगा कर ही यात्रा करें। अगर बात करें कटरा के इस सुंदर चहल पहल रौनक भरे शहर की तो वो अपने आप में बहुत ही सुंदर और प्यारा लगता है। हम आ चुके हैं माँ भगवती की यात्रा में और हमें घर बैठे सबसे पहले माता रानी के पवित्र पावन जल बाणगंगा एज वेल एज बाणगंगा के दर्शन हो पा रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी ने यहाँ पर पवित्र बाण चलाकर गंगा प्रकट किया था, इसीलिए इसे हम बाणगंगा कहते हैं। साथ ही साथ माँ भगवती ने अपने बाल यानी केश को धोया हुआ था, इसीलिए इसे हम बालगंगा भी कहते हैं। आप सब डिजिटल यात्रा का इंतज़ार करिए, बहुत जल्द चैनल पर डिजिटल यात्रा आप सबके लिए आ रही है। हाथ जोड़कर घर बैठे माता रानी के पवित्र चरण पादुका मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। माता रानी ने यहाँ पर पीछे मुड़कर देखा था, इसलिए श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा में आने वाले इस पड़ाव को हम चरण पादुका कहते हैं और इनके चरणों के चिन्ह यहाँ पर स्थापित हो गए थे। देख सकते हैं यहाँ पर भी किस तरह का माहौल बना हुआ है। फिलहाल जो वीडियो आप देख रहे हैं मॉर्निंग का वीडियो है, इसलिए भक्तों की संख्या थोड़ी कम देखने को मिल रही है, लेकिन जैसे जैसे जो है दिन बढ़ रहा है तो यहाँ पर भक्तों की संख्या भी लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो अब हम आ चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी के अर्धकुंवारी मंदिर के पास, जो कि यात्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है। यहाँ पर हम गर्भजून गुफा से होकर माँ भगवती के पवित्र दर्शन प्राप्त करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें वेटिंग की तो फिलहाल एट दिस टाइम वेटिंग जो है वो 12 घंटे का 24 घंटे का चल रहा है। हमने फिलहाल अभी माता रानी की यात्रा की थी तो यहाँ पर जो भी हमारे साथ श्रद्धालु नए गए थे उनका जो नंबर था वो रात के करीबन आने वाला था, तो हमने ये किया कि जाते वक्त हमने यहाँ पर अपना पर्ची कटा लिया और हमें नंबर पता चला कि हम लोगों का जो नंबर है वो रात के 9 बजे के आसपास में आने वाला है और सुबह के 9 बजे हम यहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो हमने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम आगे चलते हैं भवन पर दर्शन करने के बाद, भैरव घाटी दर्शन करने के बाद जब हम रिटर्न आए तो फिर हम रिटर्न आकर यहाँ पर दर्शन प्राप्त किए। रिटर्न आने के बाद हमें भी आधे से एक घंटे यहाँ पर दर्शन करने में लग गए।
वैसे आप इस चीज का खास ख्याल रखें, पहले पर्ची कटाएं, अगर नंबर ज्यादा टाइम बाद आने वाला है तो पहले आप ऊपर जाकर माता रानी के दर्शन कर लें, रिटर्न आते वक्त आप यहां पर आकर भी दर्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगा, यहीं पर आपको पर्ची कटानी होगी। आप सबका स्वागत है माता रानी के पवित्र हिमकोठी मार्ग में। देख सकते हैं किस तरह का माहौल बदल रहा है। अगर हम बात करें मौसम की, देखिए मौसम का किसी प्रकार से कोई भी कन्फर्म जानकारी किसी के पास नहीं होती, क्योंकि माता रानी का ये पवित्र जो त्रिकूट पर्वत है ना, यहाँ पर मौसम बहुत टाइम से चेंज होते रहते हैं। कभी आपको यहाँ पर धूप देखने को मिलेगा, जैसे आपने अभी अर्धकुंवारी मंदिर में नोटिस किया। हम माता रानी के हिमकोटी मार्ग पर चल रहे हैं और यहाँ पर हमें बादल की धुंध देखने को मिल रहे हैं। आगे तो बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई थी जब हम माता रानी की यात्रा कर रहे थे, इसलिए यात्रा पर अगर आप जाने का प्रयास कर रहे हैं या फिर आपका कोई प्लान है यात्रा करने का, तो अपने साथ सबसे पहले रेनकोट, अम्ब्रेला और गर्म कपड़ा, ये तीन चीज जरूर से रख लीजिएगा, क्योंकि भवन पर काफी ठंड भी लग रही है। यात्रा के दौरान अगर बारिश होगा ना, तो अपने आप रेनकोट और अम्ब्रेला से अपने बैगों को अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए मेरी मानिए तो यात्रा करने से पहले इन चीजों का खास ख्याल रखिएगा। वैसे आप देख सकते हैं कि इस तरह का ही माहौल हमें माता रानी की यात्रा में देखने को मिल रहा था, इसलिए जब कभी भी यात्रा का प्लान कर रहे हैं पूरी प्रिकॉशंस के साथ जाएं। आप सबका स्वागत है श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में। हम पहुंच चुके हैं भवन, और भवन पे जो आप लाइन देख रहे हैं रोपवे की लाइन है। इस समय मैं आपको बताऊं यात्रियों की संख्या की, तो लगभग 35,000 से लेकर 40,000 तक की संख्या चल रही है, और काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु माँ भगवती के दर्शनों की ओर आ रहे हैं। इसलिए आप यात्रा करने से पहले कोशिश ये करें कि आप पहले से अपना बुकिंग करा लें। अगर बुकिंग नहीं है तो लगभग 4 से 5 बजे तक आप भवन पहुँच जाएँ शाम को, ताकि आपको निःशुल्क धर्मशाला में जगह मिल जाए। वरना मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बाहर सोना पड़ेगा, और साथ ही साथ अगर बारिश होगी ना तो फिर आप पूरी तरीके से भींग जाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा अगर आप बाहर सोते तो आपको ठंड भी लगेगी। इसलिए सजेशन यही रहेगा कि अर्ली मॉर्निंग यात्रा स्टार्ट करें और इवनिंग से पहले आप माता रानी के भवन पहुंच जाएं। रात में अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो आप स्टे भी कर सकते हैं। देख सकते हैं कितना ज़्यादा संख्या हमें भवन पर देखने को मिल रहा है। लीजिए घर बैठे श्री माता वैष्णो देवी के पावन भवन के दर्शन कर लीजिए। मैं आपको बता दूं कि अगर आप माता रानी की यात्रा पर आ रहे हैं तो कोशिश करें कि आफ्टरनून में आप दर्शन करें, उस टाइम आपको दर्शन बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएंगे। अगर आप भैरव घाटी का प्लान कर रहे हैं तो रोपवे में काफ़ी लाइनें लग रही हैं, तो आपको पैदल भी जाना पड़ सकता है। आप सबका स्वागत है भैरव घाटी में। घर बैठे भैरव मंदिर से भैरव घाटी के दर्शन करें, बहुत ही पवित्र पावन दर्शन आप सभी भक्तों को घर बैठे कराया जा रहा है। देख सकते हैं भैरव घाटी में भी किस तरह का माहौल बना हुआ है, बारिश के बाद कुछ मौसम इस प्रकार से दिखता हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि भैरव घाटी से जो हमें एक अलग सा रौनक देखने को मिलता है, वहाँ के जो लोकेशंस होते हैं फोटोग्राफ्स करने के लिए जो प्लेसेस होते हैं, जो विजुअल्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं। तो आप जब कभी भी भैरव घाटी जा रहे हैं, ट्राई करें कि आप इवनिंग में पहुँचें या फिर आप मॉर्निंग में पहुँचें, क्योंकि अगर आप आफ्टरनून में जाएंगे तो उस समय आपको उतना अच्छा विजुअल देखने को नहीं मिलेगा। तो पूरा का पूरा माहौल आप घर बैठे देख सकते हैं, किस तरह का दर्शन हमें घर बैठे भैरव घाटी से हो पा रहा है। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानकारियों की बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कोरोना टेस्ट से। अगर आप श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा आगामी दिनों में करने वाले हैं, तो आप सभी के पास या तो वैक्सीन की दोनों डोज की सर्टिफिकेट हो, फिर आपका कोई टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ आप जाइए वहां पर अपने मोबाइल फोन में सर्टिफिकेट दिखाइए या फिर अपने आप प्रिंटआउट से सर्टिफिकेट दिखाइए, आपको आगे अलाउ कर दिया जाएगा, आप स्टेशन से बाहर निकलकर यात्रा की ओर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास दोनों डोज की सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर आपके पास कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, उस रिपोर्ट को दिखाइए और आगे बढ़ जाइए, या फिर आप वहां पर जाकर इस तरह से लाइनों में लगकर अपना टेस्ट कराइए। वहां पर जैसे ही आप पहुंचेंगे, टेस्ट कराएंगे, आप सबको सबसे पहले एक किट दिया जाएगा, उस किट के बाद आप सबको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म में आपको अपना पूरा डिटेल फिल करना होगा, और फिर आपको फॉर्म को सबमिट कराने के बाद वहां पर स्टैंप लगवाना पड़ेगा, और फिर आप उस फॉर्म को लेकर अपनी यात्रा कर सकते हैं। वो जो फॉर्म जिस पे स्टैंप लग जाएगा, वही आपका कोविड नेगेटिव रिपोर्ट माना जाएगा, जिसे जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा अप्रूव किया जा रहा है। वहीं अगर आप अपने घर से कराकर जाते हैं तो इन सारे फॉर्मेलिटी से आप बच पाएंगे, सिर्फ आप सिंपली सा वहां पर जाइए, रिपोर्ट दिखाइए और आगे बढ़ जाइए। मैं आपको फिर से बता दूं, अभी भी जेएनके का रूल यही है कि या तो आप जेएनके में इंटर कर रहे हैं तो अपने पास कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाइए, या फिर आप अपने पास वैक्सीन की दोनों डोज की सर्टिफिकेट दिखाइए। ऐसा नहीं है कि सिंगल डोज लगा है तो टेस्ट नहीं होगा, सिंगल डोज लगने के बाद भी टेस्ट होगा, इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिए। बच्चे जो 10 साल से ऊपर
करें उनका ही कोविड टेस्ट का रिपोर्ट या फिर उनका ही कोविड टेस्ट किया जाएगा। जो बच्चे 10 साल से नीचे हैं उनका किसी प्रकार से कोविड टेस्ट नहीं होता है, ना ही उनका कोई कोविड रिपोर्ट मांगा जाता है। मैं आपसे फिर से बता दूं, कोई ये ज़रूरी है नहीं कि आपको वैक्सीन की दोनों डोज लगी हो तो ही आप यात्रा कर सकते हैं। अगर आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट भी है तो भी आप यात्रा कर सकते हैं। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको वैक्सीन की दोनों डोज लगी है तो फिर भी आपको कोविड टेस्ट दिखाना होगा, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। दोनों में से कोई एक आपको ज़रूर से कैरी करना पड़ेगा। वहीं बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं सुविधाओं की। तो फिलहाल श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा हर प्रकार की सुविधाएं, चाहे वो बैटरी कार हो, रोप वे हो, हेलीकॉप्टर हो, घोड़ा पिट्ठू पालकी हो, डोरमेट्रीज हो, भोजनालय हो, ये तमाम प्रकार की सुविधाएं श्राइन बोर्ड द्वारा हर भक्तों को मिल रही है। लेकिन हेलीकॉप्टर जो है पूरी तरीके से मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। मौसम हल्का सा भी खराब होता है तो हेलीकॉप्टर सुविधा को नहीं चलाया जाता, और जिनकी भी बुकिंग होती है उनका पूरा का पूरा पैसा वापस से उनके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाता है। मैं आपको फिर से बता दूं, यात्रा करने के लिए या तो वैक्सीन की दोनों डोज की सर्टिफिकेट लाइए या फिर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाइए, साथ ही साथ मास्क यूज़ करिए, हैंड सैनिटाइज करते हुए यात्रा करिए, प्रिकॉशंस का ध्यान रखिए, अपने साथ गर्म कपड़ा जो भी हो, चाहे आपके पास कोई भी गर्म कपड़ा हो उसे कैरी करिए, एक रेनकोट अम्ब्रेला ज़रूर से लेकर आइए। फिलहाल आपको यात्रा में किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं और एक सिस्टमेटिक वे में यात्रा करिए। मिलता हूँ मैं आपसे एक नए वीडियो में। आपके लिए डिजिटल यात्रा बहुत जल्द चैनल पर अपलोड होगी, और आप सबसे हाथ जोड़कर बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि उस डिजिटल यात्रा को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, ताकि जो भी भक्त ऐसे हैं जो माता रानी की यात्रा नहीं कर पा रहे किसी कारण से, तो उस डिजिटल यात्रा के मदद से वो घर बैठे ऐसा एहसास कर सके कि वो माता रानी की यात्रा डिजिटल तरीके से घर बैठे कर पा रहे हैं। उम्मीद करूंगा कि आप सब उसे ज़रूर शेयर करेंगे। कितने भक्तों को डिजिटल यात्रा का इंतज़ार है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। माता रानी आप सबको अपने दरबार बुलाए, हम माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियोज़ में। आप देख रहे थे आपका प्यारा चैनल ट्रेन राइडर, मैं था आयुष। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।